Times now has spoken exclusively to Sakshi Malik, a woman wrestler of India, and she has hailed the Delhi court's ruling against the former WFI chief. In fact, she was one of the wrestlers who had taken to Jantar Mantar to sit on a fast against him. Listen in. देखो ये वही बात है कि जीत के लिए थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड है और ये हमारे फ्यूचर के लिए लड़ाई थी, हमने तो त्याग किया है. वही बात, हमें तो पता भी नहीं था कि इस प्रोटेस्ट के बाद अब क्या होने वाला है आगे आने वाले समय में. तो बस यही था कि जो हमारे साथ हुआ है वो आगे आने वाले जो रेसलर हैं, जो लड़कियां हैं, जूनियर्स, उनके साथ ना हो. बस यही है. और जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसका मैं स्वागत करती हूँ, बड़ा मतलब ठीक लगा मुझे. और उसमें ये भी कहा गया है, कोर्ट ने जो कहा है उससे अब ये भी होगा कि बृजभूषण शरण सिंह को शायद ट्रायल भी फेस करना पड़ेगा, जिसमें एक मैक्सिमम जेल टर्म जो है वो 5 साल की होती है सेक्शन 354A में, और 3 साल की 354A के अंडर सेक्शन 506 ऑफ IPC. तो कहीं ना कहीं आपको लगता है, आपने, विनेश ने, बजरंग ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, तो कहीं ना कहीं आप इसको एक जीत के तौर पर देख रहे हो? बिल्कुल लगता है, क्योंकि वही बात है, प्रोटेस्ट के दौरान कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि 10 साल से कहाँ थे ये झूठे एलिगेशन पर, तो अब कहाँ से सबूत मिल गए. हम थोड़ी ना ऐसा ही अपना करियर दांव पे लगा के प्रोटेस्ट किया था. तो बिल्कुल सही बात है. और जो उसने इतने सालों से जो लड़कियों के साथ हैरेसमेंट किया है उसकी उसको सजा मिल रही है. और Well, of course, it's been a very hard-fought struggle by all the wrestlers, the entire community which came together to stand up against Brijbhushan Singh Sharan. Today, they feel that they've been vindicated because now the court agrees that there is enough evidence against him for charges, of very serious charges of sexual harassment being filed and framed against him. We're going to be tracking it very closely. For the timing, however, a short break. Don't go anywhere.